आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप बिहार के हैं तो आप AWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन SDO से बना सकते हैं, SDO लेवल से। इससे पहले मैंने आपको बताया था ब्लॉक लेवल से CO से कैसे बनाते हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। AWS सर्टिफिकेट क्या होता है, किन के लिए है। AWS सर्टिफिकेट बनाने से आपको 10% का आरक्षण कहीं भी मिल जाएगा। AWS सर्टिफिकेट किन किन के लिए है, ब्राह्मण के लिए और राजपूत के लिए, शेख पठान और सैयद इसी टाइप के जो जितने भी जाति हैं कास्ट है वो सब के लिए AWS सर्टिफिकेट, वो सब जो AWS कैटेगरी में आते हैं। अगर आप भी AWS कैटेगरी में आते हैं तो आप CO लेवल से, SDO लेवल से, SDM लेवल से भी बना सकते हैं, तीन लेवल से। तो CO लेवल से कैसे बना सकते हैं वो वीडियो पहले बना चुका हूँ, ये वीडियो SDO लेवल से बनाने के कैसे बनाएंगे ये वीडियो देखकर आप सीख जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा DM लेवल से किस तरह आप बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज की इस वीडियो में आपको सिखाते हैं दोस्तों। उससे पहले आपको बता देंगे, YouTube पे सर्च कर लीजिएगा जीशान मॉनिटर और आपको ये लोगो मिल जाएगा, और यहाँ पे आपकी बहुत सारी काम की वीडियो बना दिया हूँ। बिहार राशन कार्ड कैसे अप्लाई करें, बिहार राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें, बिजली बिल कैसे चेक करें, जमा करें, बिहार का जमीन का नक्शा कैसे निकालें, जमीन का डॉक्यूमेंट कैसे निकालें, ऑनलाइन OBC सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, सेंट्रल और स्टेट से वोटर आई डी कार्ड कैसे बनाए, सुधार करें छात्रवृत्ति, बहुत सारे ऐसे वीडियो आपके लिए मैंने बना चुका हूँ, वो भी वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको सिर्फ गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, अगर आप बिहार के हैं तो इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन, आप SDM से मतलब SDO से आप AWS सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको CO से ब्लॉक लेवल पे बनाना सिखाया था, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो देख लीजिए। अगर आप SDM से बनाना चाहते हैं, SDO से बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ब्लॉक से बनाना अनिवार्य, जब तक आप ब्लॉक से नहीं बनाएंगे तब तक आपका SDO से नहीं बनेगा, इसलिए ब्लॉक से बना लीजिए। वो कैसे बनाते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ उस वीडियो का। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आना है, सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर रजिस्टर करना है। अगर आप किसी सर्विस के लिए इस पोर्टल पर रजिस्टर किए तो उसी रजिस्टर में आपका काम हो जाएगा, अगर किसी भी सर्विस के लिए इस पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किए तो रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करना है, आपको रजिस्टर कर लेना हो। उसके रजिस्टर करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा, लॉगिन बटन पर क्लिक करने यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना और रजिस्टर करते हुए जो पासवर्ड आपने रखा था उस पासवर्ड को आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना। उसके बाद आपको कैप्चर जो भी होगा वो आप यहाँ पर दे देंगे, उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, और यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विस मिल जाते हैं, यहाँ पे 110 है तो मैं इसको 50 कर देता हूँ और इसमें मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है 33 नंबर में, ठीक, AWS इशू सर्टिफिकेट एट SDO लेवल, ठीक है। अगर DM से भी बना सकते हैं, लेकिन DM से बनाने के सबसे पहले आपको SDO से बनाना होगा, या आप DM से ब्लॉक के बाद भी DM से बना सकते हैं। तो चलिए मैं पहले SDO से बना लेता हूँ, उसके बाद SDO के बाद DM से बनाएंगे, ठीक है। तो मेरा ब्लॉक से बन चुका है, बनने के बाद अब मैं SDO से बनाऊंगा। तो यहाँ पे 33 नंबर में जो सर्विस दिया गया है सर्टिफिकेट एट SDO लेवल, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप इस पर क्लिक, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको इस तरह दिखेगा और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपका होगा अंचल अधिकारी से, जो भी आप ब्लॉक से बनाए तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट नंबर आपको दिया गया होगा, तो जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर वो आप यहाँ पे दे दीजिए। तो मैं अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, और सर्टिफिकेट में आपको वो नंबर कहाँ पे रहेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए AWS, ये वाला सर्टिफिकेट AWS 2019, तो जो भी होगा आपका वो आप यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद उसमें जो अभी नाम दिए थे आप, वही नाम सेम नाम आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो मैं, चलिए मैं नाम दे रहा हूँ, सेम नाम इंग्लिश में नाम आपको देना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एप्लीकेशन नंबर भी जो, ठीक है, तो उसके बाद मैं अपना नाम भी दे चुका हूँ। उसके बाद गेट डिटेल पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं गेट डिटेल पे मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरह दिखा रहा है, यहाँ पे ओके बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। उसके ओके बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं आप,
मैं वो जान हमारा सारा वो जानकारी आ जाएगा जो मैं सीओ से बनाते वक्त दिया था, तो सारा जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। जानकारी को भी हम चेक कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। और यहाँ पे मैंने आधार नंबर नहीं दिया था, तो यहाँ पे मैं आधार नंबर भी दे देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल, यहाँ पे आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे एग्री करने के बोल रहा है, मैं एग्री कर देता हूँ। उसके बाद पूरा अपना एड्रेस जो वो हम चेक कर लेते हैं, नाम जो है, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस वगैरह मेरा सारा चीज़ सही है। तो अब करना क्या, यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना होगा। आई एग्री पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे कैप्चर आपको देना होगा। तो चलिए यहाँ पे कैप्चर, जो भी कैप्चर आपको दिखा रहा है वो कैप्चर आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए, ठीक है। कैप्चर इंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबमिट बटन कुछ इरो इस तरह का एक इरोर दिखा रहा है, एरर, ठीक, इस तरह का एक एरर दिखा रहा है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आधार नंबर हटा देता हूँ, ठीक है। बिना आधार नंबर का मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, क्योंकि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा आपको तो आधार नंबर आप हटा दीजिए, तब सबमिट कीजिए, ठीक है। तो देखिए मैंने आधार नंबर हटा दिया, उसके बाद मैं सबमिट कर रहा हूँ। आधार नंबर देंगे, अगर लोड ले लेगा तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो मैं, ठीक है, तो मैं हटा दिया हूँ और उसके बाद मैंने सबमिट किया, तो ये लोड ले चुका है कुछ इस तरह का, और यह पूरा जानकारी हमारा सही है। उसके बाद यहाँ अटैच पे क्लिक करना होगा, अटैच पे, और यहाँ से एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट अपलोड करना, एक अंचल अधिकारी जो बनाया आपने सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे, वो सर्टिफिकेट यहाँ से देख लीजिए ये सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये इशू बाय इशू डेट रेफरेंस नंबर को खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑटोमेटिक अपलोड है, यहाँ पे इसलिए प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक अपलोड है इसलिए प्रीव्यू दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ दस्तावेज, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको इसके अलावा देना होगा, जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, जो भी देना चाहिए तो आधार कार्ड में दे देता हूँ। उसका इशू डेट वगैरह देखिए, यहाँ से हम चॉइस वाल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं एक आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट बटन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका रसीद मिल जाएगा। तो चलिए मैं सबमिट नहीं करने वाला हूँ अभी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई भी एरर नहीं आएगी। तो उसके बाद जब अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके गेट डाटा पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट आपने बनाए सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे शो कर देगा। और यहाँ पे जी अभी मैंने अपलोड किया, ये सबमिट किया था, उसका यहाँ पर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। इसका डिटेल जानने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस टाइप का दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सबमिट भी करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं सबमिट भी कर देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बीच में बता दिया था चेक करने का। तो चलिए सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको रसीद जो कुछ इस तरह का आपको दिखने को मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह रसीद आ जाएगा। और यहाँ पे पूरा आपका डिटेल रहेगा आपके द्वारा गया, और यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो इसका जो पीडीएफ का रसीद आपको पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं EWS HDO ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको YouTube पे सर्च कर लेना है जीशान मॉनिटर, और आपकी यूजफुल की बहुत सारी यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, आपकी बहुत काम की वीडियो, जैसे बिहार राशन कार्ड कैसे अप्लाई करें, CTS दिसंबर में CTET दिसंबर अप्लाई कैसे करें, बिजली बिल बिहार का कैसे चेक करें, निकास चेक करें, जमा करें, पॉलिटेक्निक और OBC सेंट्रल स्टेट सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाएं, ज़मीन का रसीद, ज़मीन का नक्शा निकालें, और राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें, आवासीय जाति आय कैसे बनाएं, बहुत सारे वीडियो मैंने आपके लिए पहले से बना दिया हूँ, इसलिए आप वीडियो देख लीजिएगा, आपकी काम की वीडियो। अगर आप अपने दुकान पे अपने शॉप को बैंकिंग में बनाना चाहते हैं तो ये देखिए बैंकिंग के बारे में वीडियो मैंने बताया है, किस तरह बैंकिंग का आईडी लेंगे, किस तरह काम करेंगे ये वीडियो में, और इस वीडियो में आप लोग का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला है। तो देख लीजिएगा, आप यहाँ पर ऑनलाइन मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे मैंने आपकी काम की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ से आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में
उम्मीद करेंगे आपको वो अच्छा से समझा पाया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ अगले वीडियो में।